नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड के अनसुने किस्सों में। आज हम बात करेंगे पुराने दशक यानी गोल्डन एरा की, कुछ ऐसे किस्सों की जिनके बारे में बहुत कम बातें होती हैं। 60 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे की दिग्गज कलाकार मीना कुमारी का दौर ही कुछ अलग था। लोग आज भी उनके गाने और डायलॉग के कायल हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है पर अपनी यादें छोड़ जाता है, लेकिन याद भी उसी को किया जाता है जिसमें कोई कशिश होती है। ऐसी ही अजब सी अदाओं और कशिश की मलिका मीना कुमारी ने लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आज के युवा मीना कुमारी की जिंदगी से इतना परिचित नहीं है और काफी कम लोगों को ही इनकी जिंदगी के बारे में जानकारी है, लेकिन इनके नाम से हर कोई वाकिफ है। महज 38 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ने वाली ये अभिनेत्री अपनी जिंदगी में जितनी कामयाब थी उतना ही इन्होंने अपनी जिंदगी में दुख भी झेला है। मीना कुमारी की जिंदगी कई तरह की ट्रेजेडी से भरी हुई थी और इसी के चलते इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। मीना कुमारी ने महाराष्ट्र के गरीब परिवार में जन्म लिया था, जिसके कारण जब इनका जन्म हुआ तो इनके परिवार वालों ने इनको एक अनाथालय में छोड़ दिया था। हालांकि कुछ समय के बाद परिवार वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मीना को अनाथालय से वापस घर ले आए। मीना कुमारी ने बेहद ही कम आयु में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते इन्हें कभी भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मीना ने एक निजी टीचर रख उनसे शिक्षा हासिल की। मीना ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप विजय भत्रू की लेदर फेस फिल्म से की। इसके बाद उन्होंने वैजू बावरा में काम किया और प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने अपने समय में बहुत नाम कमाया। उन्हें बेहतरीन अभिनय के लिए 4 बार फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। अगर बात करें लव लाइफ की तो मीना कुमारी अपना दिल फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को दे बैठी थी और एक लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने निकाह कर लिया। कमाल अमरोही का ये दूसरा निकाह था और पहले निकाह से इन्हें 3 बच्चे थे, जिसके चलते अमरोही भी इसे दुनिया से छुपाना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद मीना से उनकी शादी की खबर मीडिया तक पहुंच गई। मीना कुमारी ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया और धीरे धीरे ये एक सुपरस्टार बन गई, लेकिन उनकी ये तरक्की उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार ला रही थी। मीना कुमारी का स्टारडम इतना ज्यादा था कि कमाल अमरोही को लोग उनके नाम से कम मीना कुमारी के पति के नाम से ज्यादा जानते थे। कमाल अमरोही मीना कुमारी की फिल्मों में दखल देने लगे। मीना कुमारी जिस भी फिल्म को करने के लिए हामी भर देती थी, उनके पति उन्हें वो फिल्म करने से मना कर देते। इसके बाद इन दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गईं कि लड़ाई झगड़े और मारपीट आम बात हो गई। अपनी शादी को बचाने की हर एक कोशिश करने के बाद भी ये दोनों 1964 में अलग हो गए। अमरोही का घर छोड़ने के बाद मीना कुमारी एकदम अकेली हो गई और उस समय इनकी जिंदगी में कई नए लोगों ने दस्तक दी। मीना ने गुलजार के साथ काफी अच्छे संबंध बनाए, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ये दोस्ती टूट गई, जिसके बाद इनका नाम धर्मेंद्र और फिल्म निर्देशक निर्माता सावन कुमार तक के साथ भी जोड़ा गया। तलाक के गम में डूबी मीना को शराब की लत लग गई और उनकी जिंदगी दुख दर्द में बीतने लगी। हालांकि अलग होने के बाद भी कमल अमरोही की फिल्म पाकिजा में मीना कुमारी ने काम करना जारी रखा और फिल्म पूरी की, लेकिन रिलीज के 3 हफ्ते बाद ही मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई और फिल्म के 1 महीने बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।